हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में स्टूडियो बताएंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे दिया है दोस्तों सोना, उसके बाद लिखा है गहना और फिर लिखा है चांदी, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न देगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो अक्षर श्रृंखला में लुक पद ज्ञात कीजिए। ये जो यहाँ पर डैश दिया है दोस्तों, यानी कि उस जगह पर एक श्रृंखला का सवाल दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न यदि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है, वो जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में स्टूडियो बताएंगे। अलग अलग क्षेत्र से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है, टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। TCS और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर रीजनिंग का हम लोगों का 12 है, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखें तो चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, सारे पार्ट आपको सेलर ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGR, LP टेक्नीशियन, UPSI, DFCCL, UP पुलिस, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UPSC, DSSB, CTET, IB, SSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक, PO, क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सोना, फिर गहना और लिखा है चांदी, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया है। करना क्या है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया वीडियो को पॉज कर लिए, रोक लीजिए, अपने से ट्राई कीजिए और कॉमेंट करके जरूर बताएं कितने प्रश्न आपने सही किया इस पार्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए, इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा, गहना हो जाएगा। तो एक डायग्राम आप इस तरीके से गहना बना सकते हैं, गहना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चांदी का हो जाएगा। और हम लोगों का कुछ गहना किसका हो सकता है दोस्तों, सोना का हो सकता है। तो इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कुछ गहना आप देखे होंगे चांदी का होता है, कुछ गहना सोने का होता है, कुछ गहना और भी चीज़ का होता है, जैसे रोल गोल हो गया, हीरा हो गया, तो बहुत तरीके का। लेकिन यहाँ पर अगर सबसे उपयुक्त वेन डायग्राम की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आप कैसे करेंगे लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर के सवालों को। या तो आप इधर से चल सकते हैं, या तो आप इधर से चल सकते हैं, इस साइड से चल सकते हैं, दो तरीके से आप चल सकते हैं। और हमेशा बड़े नंबर पर फोकस किया जाता है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो चला है ना, इधर से चला होगा, इस साइड से चला होगा और कुछ ना कुछ किया होगा। तो चलिए अब हम बताते हैं इधर हुआ क्या है, कि उसने क्या कर लिया, यहाँ तो इधर से ही चला है, यानी 9 माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 4 कर दिया। तो 9 में 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5, और गुना यहाँ पर 4 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। देखिए 9 में 4 घटेगा तो 5 हो जाएगा, अब 5 गुना 4 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लॉजिक को ध्यान में देखते हुए चलिए, उसी तरीके से आपका जिसको, यानी कि ये वाला संख्या देखिए, इसको भी चेक करके आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 12 कैसे लिखा है। तो इस जगह पर आप कहीं भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पर कर लेते हैं 8, अब माइनस क्या कर लीजिए दोस्तों, 5 कर लीजिए, तो 8 माइनस 5 और गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का, 4 हो जाएगा। तो 8 में अब 5 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और इधर गुना 4 तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 से क्या हो जाएगा, 12। तो देखिए 12 यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, उसी तरीके से आपको अब जिसका निकालना है चलिए आप उसमें चल दीजिए, यानी ये वाला संख्या का हम लोगों का निकालना, तो आराम से 7 माइनस क्या कर लीजिए दोस्तों, 6 कर लीजिए, और गुना यहाँ पर क्या कर देंगे, 4। पिछले दिन भी क्वेश्चन करवाए, बड़ी इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, SSC चाहे वो रेलवे हो, अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी बार रिपीट कर चुका है लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित चित्र में कितने वर्ग है।
तो इसमें आपको बताना है कि टोटल कितना वर्ग है। तो इसको आप कैसे काउंट करेंगे एक बार देख लीजिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी भी इस तरीके का अगर वर्ग आपको सामने काउंट किया है, देखिए वर्ग में अगर एक रेखा मान के लिए इधर से दिया है, फिर हम लोगों का एक इधर से दिया है, यहाँ थोड़ा इधर ले लेते हैं, नहीं तो वरना क्या होगा कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से दिया है, इसी तरीके से आप देखेंगे दोस्तों, यानी कि एक हम लोगों के सामने किधर से हो जा रहा है, इधर से हो जा रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इधर से हो जा रहा है। और इसमें देखिए बराबर अगर आपका यहाँ पर करने का मतलब बराबर कि इधर से भी एक ये हो जाएगा दो और ये तीन, इधर से लेंगे तो हम लोगों के सामने एक ये हो जाएगा दो और ये हो जाएगा तीन, अगर बराबर है। देखिए यहाँ पर वही लॉजिक लगा है कि इधर से लेंगे एक हो जाएगा ये दो हो जाएगा ये तीन हो जाएगा, इधर से लीजिएगा तो एक हो जाएगा ये दो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा, तो दोनों बराबर है। तो जब भी बराबर आया तो आप इसका स्क्वायर कर दे, यानी कहने का मतलब वो बीच वाला का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। कैसा स्क्वायर, यानी कि सबका स्क्वायर, एक का स्क्वायर कर दीजिए प्लस क्या कर दीजिए दो का स्क्वायर, अब प्लस क्या कर देंगे तीन का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा। तो सबको जोड़ लीजिए, नौ चार तेरह एक चौदह, चौदह वर्ग आ जाएगा। यानी ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक में, इसमें कितना आ जाएगा तो चौदह वर्ग आ जाएगा। तो ठीक है, जब चौदह वहाँ पर हो गया, एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा एक इधर, तो चौदह चार क्या हो जाएगा अट्ठारह हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चौदह यहाँ पर आया, अब प्लस चार करना होगा क्योंकि सिंगल सिंगल एगो बनेगा, तो चौदह चार क्या हो जाएगा अट्ठारह हो जाएगा। जो बात आपको बताया, देखिए ये वाला आकृति को हमने यहाँ पर जूम करके आपके सामने दिखा दिए कि अगर इधर से भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक हो जाएगा ये दो हो जाएगा तीन हो जाएगा, इधर से लेंगे तो हम लोगों के सामने एक हो जाएगा दो हो जाएगा और ये तीन हो जाएगा। तो ऐसा अगर किया तो सब सब का वर्ग कर लीजिए और देख लीजिए सिंगल सिंगल कितना बन रहा है, तो सिंगल सिंगल भी बन रहा था, तो टोटल अठारह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि पिछड़े वर्ग के पिछड़े वर्ग में अशिक्षित कितने लोग नियुक्त किए गए हैं। देखिए कि आप क्या पूछा गया, अशिक्षित यहाँ पर क्या, यानी कि पिछड़ा वर्ग होना चाहिए, तो पिछड़ा वर्ग तो ये है, हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों अशिक्षित होना चाहिए। तो अशिक्षित यानी कहने का मतलब ये वाला जो लोग हैं हम लोगों का, इसमें जो जाएगा तो ये वाला हिस्सा तो शिक्षित का, और उसने सवाल में पूछा है कि अशिक्षित चाहिए, तो अशिक्षित चाहिए, यानी शिक्षित को अगर हम लोग छोड़ देंगे यानी नेगलेक्ट कर देंगे जो बचेगा तो क्या बचेगा अशिक्षित बचेगा। यानी कि ये देखिए, यानी कितने उसने सवाल देखिए किस तरीके, कितने पिछड़े वर्ग है जो कि हम लोगों का अशिक्षित है, तो अशिक्षित के साथ क्या क्या होना चाहिए नियुक्त होना चाहिए। तो इस हिस्से को तो आप पहले हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि ये सर शिक्षित का और सवाल में कहा अशिक्षित का, तो इस हिस्सा को हटा लेंगे। तो ये पाँच जो आप देख रहे हैं, सीधी सी बात है कि देखिए ये जो पाँच देख रहे हैं दोस्तों, ये पाँच किस में जाएगा, तो ये तो पिछड़ा वर्ग है ये है और नियुक्त है, और इसके बाद क्या हो गया अशिक्षित भी हो गया, क्योंकि शिक्षित नहीं है तो शिक्षित छोड़ देंगे तो अशिक्षित आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और ये नहीं कि यहाँ पर कोई सात आप प्लस पाँच कर दे और बारह करने लगे, तो बारह तो वैसे भी आंसर में नहीं है तो नहीं आएगा, तो कन्फ्यूजन नहीं कि इस सात को भी ले लेंगे, सात को नहीं ले सकते क्योंकि उसने कहा है कि पिछड़ा वर्ग भी होना चाहिए अशिक्षित भी होना चाहिए और नियुक्त भी होना चाहिए, तीनों होना चाहिए, तो शिक्षित वाला पार्ट को हटा देंगे तो अशिक्षित बचेगा। तो टोटल पाँच है जो कि पिछड़ा वर्ग और नियुक्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो हम लोगों के सामने घन वाले प्रश्न दिया गया, कह रहा है कि एक घन के छः के विपरीत सतह पर कौन जाएगा। तो छः रहे, कभी आठ रहे, दस रहे, कुछ भी दे सकता है, अलग अलग टाइप का अलग अलग पूछा गया है। तो लॉजिक देखिए क्या होता है, कोई सा भी दो पासा ले लीजिए, ये हो जाएगा हम लोगों का पहला पासा, इसको मान लेंगे ये दूसरा पासा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों तीसरा पासा। तीनों पासा में देखिए कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब जो मिलता हो, ये देखिए यहाँ पर पाँच और तीन की बात किया जाए दोनों पासा में, उसी प्रकार से पाँच और तीन दोनों पासा में, तो सीधा तो हो गया, यानी कि उसने क्या अब क्या पूछा छः के विपरीत, तो छः के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों चार हो जाएगा। सीधा से आप यहाँ बोल सकते हैं कि छः का विपरीत चार और चार का विपरीत छः, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कोई सा भी दो पासा उठा लीजिए और वहाँ पर देखिए जो हम लोगों का संख्या या अंक कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन जो मिला उसको कॉमन रख दीजिए, इसमें दो दो कॉमन मिल गया, यानी पांच भी मिल गया तीन, तो दो मिल गया, तो अब बचा है चार के विपरीत, यानी चार के विपरीत क्या हो जाएगा छः और छः के विपरीत क्या हो जाएगा चार, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका आपको बता दिए।
अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, छठा नंबर क्वेश्चन। 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो कह रहा है 1 जनवरी 2008 को कौन सी दिन होगा। तो कैलेंडर के सवाल करने का ये सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं कैसे इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पर लिखा है 1 जनवरी, क्या लिखा है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी 2007 है और आना है हम लोगों को 1 जनवरी, क्या आना है दोस्तों 1 जनवरी में ही आना है और किस में आना है 2008 में। तो देखिए यहाँ से अगर साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 2 दिन का वृद्धि होगा, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जनवरी एक महीना में जा रहे हैं, फरवरी तो जा नहीं रहे, फरवरी जाते या फरवरी के बाद किसी में जाते मार्च अप्रैल मई तो 2 दिन का वृद्धि होता, लेकिन यहाँ तो हम लोग जनवरी में ही जा रहे हैं यानी साधारण वर्ष है। आप बोल सकते हैं कि सर हम लोग साधारण वर्ष में ही, क्योंकि 2008 लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ पर जनवरी में ही तो जा रहे हैं, फरवरी में आते या फरवरी के बाद कोई महीना में जाते 2 दिन का वृद्धि होता है। क्यों? क्योंकि आप फरवरी का महीना लीप वर्ष में कितना हो जाता है 29 दिन का होता है, इसीलिए 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं 1 दिन का वृद्धि होता है, और यही अगर साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाएंगे तो 2 दिन का वृद्धि होगा, बस शर्त है कि लीप वर्ष इंक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ पर लीप वर्ष इंक्लूड है ही नहीं, तो 2007 के बाद 8 पे जाएंगे तो 1 दिन का क्या हो जाएगा दोस्तों वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस दिन कौन सा दिन है, तो सोमवार है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं सोम है, तो सोम के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा मंगल हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों मंगल, 1 दिन का वृद्धि करना है, सोम के बाद क्या आ जाएगा मंगल हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा सर, क्यों? क्योंकि जनवरी से तो जनवरी पे ही आ गए हम लोग, फरवरी के बाद क्रॉस नहीं किए, फरवरी के बाद जाते ना तो आपका मंगल नहीं आके बुध आ जाता, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता था बुध हो जाता, लेकिन यहाँ पर बुध होगा नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए इस पे जा रहे हैं साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं, फरवरी इनको इंक्लूड नहीं कर रहा है, इसलिए 1 दिन का ही वृद्धि होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दिए गए शब्दों का जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं देखिए यहाँ पर लिख देते हैं R A, फिर लिखा है T, फिर I और इस जगह पर लिखा है O, तो जल को यहाँ पर रखना होता है, जल जो है इस जगह पर इस तरीके से रख दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों जल हो गया, इस तरीके से आपका जल दिया। अब इस फिगर को देखेंगे तो आपको पता है कि जल प्रतिबिंब में क्या हो जाता है उलट जाता है, जैसे जो जितना दूरी पर उतने, जैसे ये आर हो जाएगा उसी प्रकार से इधर से ए हो जाएगा, उसी प्रकार से इधर से टी हो जाएगा, फिर आई जैसा का जैसा रहेगा ओ जैसा का जैसा रहेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा दिया है दोस्तों आर, उसके बाद पलट जाए ए, फिर हम लोगों के सामने टी, फिर आई ओ, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 को देखिए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसने क्या पूछा जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब आप कुआं में जाके अपना फिगर देखेंगे या नदी में जहाँ पानी आपको देखा तो हूबहू उल्टा नजर आएगा, उधर से भी आपको कोई देखेगा तो यहाँ से पता चल जाता है कि जल प्रतिबिंब क्या होता है उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों दोनों क्वेश्चन एक जगह करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही दर्पण प्रतिबिंब, अब क्या पूछा है दर्पण, तो देखिए दर्पण तो उसने दिया नहीं है कि दर्पण कहाँ लगाना है, तो अगर उसने नहीं दिया है तो आप ऑप्शन को भी ध्यान में देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि कहाँ रख दें जो कि हम लोगों का क्या हो एक फिगर बन जाए। तो देखिए दर्पण को जो है ना हमेशा दायां साइड में यानी यहाँ पर आपका क्या होता है दोस्तों दर्पण रखा जाता है, अगर नहीं दिया है बुक वगैरह में तो आप क्या कर लेंगे कि दर्पण को दायां साइड में रख देंगे, तो जैसे ही दायां साइड में रखेंगे और दर्पण में देखेंगे तो यहाँ पर शुरू जो हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ई हो जाएगा, यानी इस जगह पर कर लेंगे इधर हो जाएगा ई, इधर से हो जाएगा फिर एल के इधर से हो जाएगा ई साइड से हो जाएगा। तो देखिए ये वाला पहले ऑप्शन हटा दीजिए क्योंकि एल यहाँ पर सीधा कर दिया, इसको हटा दिए, उसके बाद लिखा है बी, तो बी के इधर से हो जाएगा हम लोगों का यानी कि यहाँ पर ई साइड से बी हो जाएगा, देखिए ई एल उसके बाद बी आँच है, यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों एन कर दिया, पॉसिबल नहीं है ई एल, उसके बाद ई, देखिए इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या कर दिया ई भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बी को सीधा ही रख दिया था, बी है उसी प्रकार से इधर से देखा जाए ए हो जाएगा, फिर हम लोगों का टी हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से एस हो जाएगा, फिर एन किधर से हो जाएगा इस तरीके का आपका एन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, यानी कहने की बात किया जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कहीं से भी आप देख सकते हैं क्योंकि दर्पण में जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ई है तो आप सीधा बोल सकते हैं कि जी सर यहाँ पर हम लोगों का पहला ई ही आएगा,
फिर इधर से एल ही आएगा, फिर हम लोगों के सामने इधर से जैसे बी दिया है तो बी ई साइड हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ऐसे चलते रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन, तो कई बार इस टाइप का देखेंगे क्वेश्चन। तो देखिए आप कैसे करेंगे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, अगर आप प्लस का अर्थ गुना, यानी आप चिन्ह को परिवर्तन करेंगे, जहाँ कहीं प्लस दिखेगा वहाँ पर गुना कर देंगे। माइनस का अर्थ कहा है भाग लेने के लिए, तो माइनस की जगह भाग कर देना है। गुना का अर्थ लिखा है प्लस, जहाँ कहीं गुना दिखेगा वहाँ पर आपको प्लस करना है। और भाग का अर्थ क्या लेने के लिए कहा है, तो भाग की जगह माइनस। अब जो सवाल दिया गया उसको आप उठा लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। 8 तो प्लस के जगह पर हो जाएगा गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा गुना। पे लिखा है माइनस, तो माइनस के जगह पर क्या लेने के लिए कहा है, भाग। देखिए ना, अच्छा अच्छा यहाँ पर 8 + 6 था, गुना हम लोगों का माइनस क्यों आ रहा है, रुक जाइए। 8 और प्लस का अर्थ, उसके बाद लिखा है गुना, तो गुना का अर्थ लिखा, अच्छा प्लस लिखा है ना, वही तो हम भी सोच रहे। और माइनस का अर्थ लिखा है भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर लिखा है भाग, तो भाग की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सॉल्व कर देते हैं आराम से। सबसे पहले इधर गुना कर लीजिए, 8 × 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा, प्लस का प्लस, ठीक है। इस जगह पर क्या कर दीजिए, प्लस का प्लस कर दीजिए। यहाँ पर भाग दीजिए, 10 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 10 में से 2। और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो चलिए अब आ चुका है 48 × 5 कितना हो जाएगा, तो 48 × 5 = 53 हो जाएगा। 53 में से जैसे ही 3 घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। कई बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए समझ लीजिए, देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया गया करा कि सुबह 7 बजे और हम लोगों का सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में घड़ी के तीनों सुइयों का करा कि हम लोगों का क्या लिखा है, दोनों सुइयां कब एक साथ होगी। तो इसका देखिए बनाने का क्या तरीका है दोस्तों, और कैसे करेंगे। एक फार्मूला हमेशा याद रखेगा, इसी फार्मूला पर चलता है इस टाइप का क्वेश्चन, जितना भी आएगा सारा इसी पे हो जाएगा। कभी 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एक कुछ भी दे सकता है, बस फार्मूला को याद रखिएगा। एम बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। एम बराबर यहाँ पर होता है दोस्तों 2/11 * यहाँ पर हो जाएगा एच, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर क्या कर दीजिए, थीटा कर दीजिए, प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, थीटा कर दीजिए। अब जो दिया गया है सवाल उसको कर लिए, मिनट तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पर सीधा क्या होगा, घंटा। और हमेशा आपको पहले वाले घंटा से ही लेकर चलना है, हमेशा क्या चलते हैं, पहले वाले। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/11 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो एच, तो एच के जगह पर क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे, और गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 30 कर देंगे। और थीटा का मान कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देखिए 7 से 8, 6 से 5, कुछ भी इस टाइप का सवाल के लिए देखिए थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब आप इसी को जैसे ही आप सॉल्व कर देंगे ना, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख देंगे 2/11, इधर हो जाएगा सर हम लोगों का कितना आ जाएगा, तो गुना यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 7 × 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0, क्योंकि थीटा का मान आप बोल सकते हैं सीधा सा कि थीटा का मान क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सर 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 से कोई मतलब है ना, यानी थीटा का मान 0 ले लेंगे और कुछ नहीं। अब इसी को आप जैसे ही सॉल्व करने चलेंगे तो एम बराबर कितना हो जाएगा, तो इससे कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो 121 दुना कितना, 21 × 42 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 420 हो जाएगा। लेकिन 21 × 42 अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 11। तो जैसे ही आप इसको भाग दे दीजिएगा, तो भाग देने के बाद कितना हो जाएगा, चलिए हम लोग कर लेते हैं। 11 से किस में भाग देना है, 420 में। कई बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए लेकर आए हैं। 11 × 11 क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, यहाँ पर दे दिए 33, इधर हो जाएगा 7 × 2 = 9 और 0। तो 11 × 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, 88 हो जाएगा, यहाँ पर बोल सकते हैं कि 88 आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा 2, तो हम लोगों का 33 पूर्णांक, अच्छा तो यहाँ पर अगर हाँ 33 पूर्णांक 2/11 क्या, 11। तो आप इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 बजकर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 बजकर, आप इस जगह पर लिखते हैं 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हम लोगों का बजकर, इस जगह पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 7 बजकर कितना आ जाएगा,
तो 38 पूर्णांक 2 बटा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 38 पूर्णांक 2 बटा 11। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या दिख रहा है इस प्रश्न का आंसर, यहाँ पर देखिए दिया गया आंसर भी निकल गया, बाकी इस बात को आप मिटा सकते हैं, ये तो हम भाग देने का यहाँ पर प्रयास किए, लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा यानी 7:38 पूर्णांक 2/11 जो कि आपके सामने हूबहू एकदम दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों डी इस प्रश्न का आंसर, कौन सा सही हो जाएगा डी सही होगा 7:00, बस यही फॉर्मूला याद रखना। और थीटा का मान यहां पर क्या प्रयोग करना है 0, तो इसीलिए थीटा की जगह हम लोग 0 लिख दिए, बस ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा आपका आंसर निकल, कई बार इस टाइप क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, फॉर्मूला को याद रखना m बराबर 2/11 अब ब्रैकेट में h गुना 30 और प्लस थीटा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष वाला करें कि सभी सांप जो है पेड़ है, तो चलिए इस जगह पर बना लेते हैं सभी सांप, यानी जितना भी सांप का हिस्सा है वो किसके अंतर्गत चला जाएगा तो पेड़ के अंतर्गत, यानी सभी सांप उसने कहा है पेड़ है, पहले कहा है कि कुछ पेड़ जो है सड़क है, तो इस जगह पर हम लोगों का सड़क लिख लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कुछ पेड़ जो क्या है सड़क है, पहले कहा सभी सड़क पर्वत है, देखिए सभी सड़क क्या हो जाएगा दोस्तों पर्वत हो जाएगा, यानी इसको इस तरीके से आप ले जाकर इस तरीके से बना सकते हैं, सभी सड़क क्या हो गया पर्वत। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कहा है, कह रहा है कि कुछ पर्वत सांप है, तो पर्वत और सांप में कोई रिलेशन है क्योंकि सांप यहाँ पर है और पर्वत का डायग्राम ये वाला है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों का डायग्राम अलग अलग है, इस बात को क्या कर देंगे गलत कर देंगे। पहले कहा है कुछ पर्वत सड़क है, तो कुछ पर्वत, हाँ तो बिल्कुल सही कह रहा है, इतना बड़ा हिस्सा हम लोगों का पर्वत का है, उसमें से इतना सा हिस्सा ये जो पेंट कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों सड़क का आ जाएगा, सबसे बड़ा गोला पर्वत का है, तो इसमें से कुछ हिस्सा वही कह रहा है कि कुछ पर्वत जो है सड़क है, तो पर्वत के कुछ हिस्सा में जितना सा अगर पेंट कर देंगे यानी हम लोगों का पेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा उतना सा सड़क का भाग हो जाएगा, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, ये वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। पहले कहा है कुछ सड़क सांप है, तो सड़क का डायग्राम यहाँ पर है, फिर सांप का डायग्राम यहाँ पर है, दोनों डायग्राम अलग अलग है, तो कुछ वाला कोई रिलेशन है क्योंकि कुछ का डायग्राम एक गोला दूसरे गोला को ऐसे टच करना चाहिए थोड़ा सा भी मतलब उसके अंदर में, तब जाके कुछ वाला सही होता है, तो वैसा है नहीं, सड़क वहाँ पर है सांप यहाँ पर है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, केवल 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष क्या कर रहा है दोस्तों 2 अनुसरण कर रहा है, तो ये सब बात हम कुछ वाला जो है इधर बेसिक बात बताए ताकि आपको समझ में आना चाहिए, इस प्रश्न का आंसर यानी दूसरा से हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया, एक बार ट्राई करके देखिए, करे दी गई प्रश्न आकृतियों में उत्तर आकृतियों में किसी एक में सन्निहित है और वह उत्तर आकृति कौन सी है, घूर्णन की अनुमति नहीं, तो जैसा ये फिगर दिख रहा है ए में है, बी में है, सी में है, डी किस में है, यही बात आपको बताना है, तो देखिए हम अगर आप देखेंगे ना तो हूबहू दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से अगर आप इस फिगर को ऐसे ले चलें यहाँ से और इस तरीके से और इधर से तो देखिए हूबहू ऑप्शन नंबर बी में, बाकी तो आपको कहीं नज़र आएगा नहीं, वैसा करने वाला है, देखिए ए में तो इसको बाहर कर दिया तो क्या पॉसिबल है क्या नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं, इसमें देखा जाए तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी देखेंगे नहीं दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा तो नहीं दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, अच्छे से देखेंगे ध्यान से तो आपको दिख जाएगा, हाँ सर हूबहू जो है वैसा ही फिगर, क्या पूछा है कि दी गई प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति एक में सन्निहित है, सन्निहित का मतलब छिपा हुआ है, तो वह उत्तर आकृति कौन सी है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आप इसको कैसे करेंगे, कह रहा है कि खाली स्थान भरने के लिए सही आकृति का चयन करें, ये जो यहाँ पर दिया गया ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ये आपसे पूछा गया, ये देखिए यहाँ से अगर आप बात किया जाए दोस्तों सबसे पहले क्या होगा कि सर इस जगह पर एक ऐसा हम लोगों का आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें पेंट कर देंगे, तो ठीक है सर ये हम लोगों का पेंट क्या हुआ भागो, उसी प्रकार से इस जगह पर एक गोल आकृति हो जाएगा और जस्ट हम लोगों के सामने यहाँ से इस तरीके से जो होगा इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों पेंट किया हुआ भाग, ऐसा देखिए किस ऑप्शन में यानी बीच में गोल रहेगा और दोनों ऐसा ऐसा पेंट किया, तो ये तो पॉसिबल नहीं, इसमें देखिए गोला का आकृति यानी इसमें क्या कर दिया किधर कर दिया ये नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, अच्छे से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल सर यहाँ पर हम लोगों के सामने एक छोटा जैसा इस तरीके का गोला होगा
और गोला के बाद इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ से और ये हम लोगों के इधर से, उसी तरीके से आप यहाँ से इधर से कर सकते हैं और ये इधर से कर सकते हैं, और इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंट किया हुआ भाग और यहाँ भी पेंट किया हुआ भाग, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस पर, बाकी कोई नहीं होगा। इसमें देखिए अलग साइड में कर दिया, इस सब भी कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, प्रश्न आकृति दी गई श्रृंखला में उत्तर आकृतियों में से उपयुक्त विकल्प का चयन किया जाए। जैसे देखिए यहाँ पर इसका संबंध दिया गया, तो उसी प्रकार से इसका संबंध, यहाँ से पता चल रहा है कि एक आकृति दूसरे आकृति से संबंधित है, तो उसी प्रकार से तीसरा आकृति चौथा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से पता चला है कि अगर इस आकृति में त्रिभुज नीचे था तो इसमें क्या कर दिया ऊपर, उसी प्रकार से इस एरो का निशान को देखा जाए तो ऊपर है, तो वो क्या हो जा रहा है दोस्तों, नीचे हो जा रहा है। तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने अगर ये नीचे है, ये तीर का निशान नीचे है, सीधा सा बात बोल सकते हैं कि ये तीर का निशान जब नीचे में है तो क्या हो जाएगा। बात को समझिएगा कि अगर जो फिगर ऊपर था वो नीचे हो गया, नीचे वाला फिगर ऊपर, तो ये तीर का निशान हम लोग जैसे ही देखेंगे तो ऐसा बनेगा, यानी कि इस तरीके से, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर, यहाँ पर, उसके बाद इधर से जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, आ जाएगा। तो देखिए अगर ऐसा हम लोग ले रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं बन पा रहा है कि कौन सा होगा, रुक जाइए। यहाँ से हम लोगों का ऐसा आकृति बने, यानी ये तीर का निशान हो गया और उसके बाद इधर से इस तरीके से, इस तरीके से जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस तरीके का बना हुआ, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। तो ऐसा करने वाला देखिए ए नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसका संबंध निकालेंगे ना, तीसरा वाला आखिर, जैसे पहला का संबंध दूसरा है तो उसी प्रकार से तीसरा का चौथा निकालेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीचे से तीर का निशान है, तो अगला वाला में जो आएगा ऊपर से आएगा, तो ऊपर से आएगा, तो यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड से होगा। थोड़ा सा देखिए ना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं कि सर यहाँ पर ऊपर से दिया गया है तो ये नीचे से हो जाएगा, और उसी प्रकार से ये वाला इधर से दिया है तो ये वाला क्या हो जाएगा, इस साइड से हो जाएगा। तो यहाँ से उसी तरीके से जब इसमें किए तो आपका तीर का निशान नीचे है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर से हो जाएगा, तो ऊपर से करने वाला ऑप्शन नंबर थर्ड है। बाकी थोड़ी कोई आकृति है, ये सभी थोड़ी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी कि फिगर नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है। अगला प्रश्न लिखा जाए दोस्तों, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। जैसे लिखा है बी जी एल, उसी पर कहाँ से कोमा हो जाएगा डी आई, फिर क्या लिखा हम लोगों के सामने एन हो जाएगा कोमा, और इसी जगह क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हो जाएगा एच हो जाएगा, एम हो जाएगा, और क्या लिखा है दोस्तों, आर लिखा है। तो चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं कि बी से यदि आप डी पे चलेंगे, तो बी से डी पे चलेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। डी से चलेंगे यहाँ पर तो प्लस दो कर दीजिए, डी के बाद क्या हो जाएगा, यानी कि ई एफ, इस जगह पर क्या आएगा हम लोगों का, एफ हो जाएगा, और एफ में क्या करना है, प्लस दो करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे श्रृंखला यानी सीरीज को आगे बढ़ाया है। उसी प्रकार से जी से आप यहाँ से चलेंगे आई पे, तो यहाँ प्लस दो किया है, और आई से हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो प्लस दो कर देंगे, तो आई के बाद जे और के, यहाँ पर क्या हो जाएगा के, और के में जैसे ही प्लस दो कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। तो इसी तरीके से आगे और भी सीरीज को चेक कर सकते हैं, यानी एल से चलेंगे हम लोग एन पे, तो एल के बाद एन, यानी प्लस दो, सब में प्लस दो। उसी प्रकार से एन से यहाँ पर चलेंगे तो क्या कर देना है दोस्तों, प्लस दो, यानी एन के बाद ओ और पी, यानी पी हो जाएगा, और पी में आप क्या कर देंगे, प्लस दो कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो देखिए एफ के पी, एफ के पी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एप आया, उसके बाद के आया, पी आया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न लिखा जाए दोस्तों, मैट्रिक्स यानी आवयव वाले, तो कई बार आपने देखा होगा, और इधर ये एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ से देखा जाए, जैसे उसने पूछा है कि के जे ए टी के लिए, तो इसमें क्या करते हैं कि पहले हम लोग कहाँ देखेंगे दोस्तों, ये ऊपर वाला में देखेंगे, उसके बाद क्या देखते हैं, नीचे वाला में देखते हैं। हमेशा आपको याद रखना है कि पहले ऊपर वाला में देखना है, फिर नीचे वाला में, यानी कहने का मतलब जैसे कि, और हमेशा पीछे से चेक करते हैं कहाँ से, जैसे लिखा है के जे, के जे ए, और क्या लिखा है दोस्तों, टी लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे ना, तो जैसे आठ और सात को लीजिए, तो जैसे हमने आठ और सात को लिया, तो आठ किस लाइन में देखेंगे, तो ऊपर वाला लाइन में, तो ऊपर में यहाँ से आ जाएगा आठ हो जाएगा, और सात नीचे वाला लाइन, तो यहाँ से, तो देखिए आठ यहाँ पर आ रहा है और सात यहाँ पर आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में इधर से ले रहे हैं तो क्या आ रहा है दोस्तों, एम आ रहा है। तो देखिए इसमें तो आखिरी में हम लोगों का टी है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप क्या कर देंगे, ये वाला ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा,
यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। अब दूसरा ऑप्शन को देखिए, जैसे हम लोग 75 को लिए, आखिरी से ही चेक कीजिए सबसे बेस्ट तरीका कि आखिरी, जैसे 75 तो 75 यानी कि शुरू में 7 है, तो शुरू में 7 इस लाइन में जाएगा, तो 7 यहाँ पर हो जाएगा और 7 इधर इधर से लेंगे 7 और इधर से क्या लिखा है दोस्तों 5, तो 7 और 5 यानी इधर से जाएंगे तो इन्हीं दोनों के बीच में ऊपर से 7 और नीचे 5, देखिए ना यही वाला लाइन में जाएगा ना, यहाँ से 7 और 5 आ रहा है, तो बी आ रहा है, तो आखिरी में तो टी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। बस बेसिक बात को आप समझिए, रटने का प्रयास नहीं करना है, आंसर तुरंत निकाल लीजिएगा। ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही चढ़ गया। अब हम चलेंगे इस पर, तो 6 और 7, तो देखिए 6 तो सर शुरू में है, तो शुरू में इसी लाइन में 6 जाएगा क्योंकि 6 यहाँ पर है, उसके बाद 7, तो देखिए यहाँ से लेंगे 6 और इधर से लेंगे 7, तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों बी आ रहा है, तो आखिरी में तो टी है, तो ये भी हम लोगों का जब नहीं हो पाया, यानी ये दोनों नहीं हो पाया, यहाँ से देखिए ये भी नहीं आया, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा डी से होगा। अब देखिए जैसे 8 और 7 लिए, तो चलिए ले देते हैं, तो यहाँ से हम लोगों का इधर इधर से जैसे शुरू में देखा जाए हम लोगों का 8 है, तो 8 कहाँ से आ रहा है, शुरू में 8 देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है 8 और 7, इधर यहाँ से 8 और 7 पे आएंगे। अच्छा, हम लोगों का जैसे लिखा है 8 और आई, हम लोगों का पहले क्या लेना है 8 और इधर से लेना है 7 लेना है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों हम लोगों का मिसमैच हो गया, यानी कहने का मतलब हमने क्या किया उल्टा कर दिया, इसीलिए यहाँ पर नहीं आ रहा था, जैसे 8 और 7 है ना, तो इसीलिए नहीं आया 8 और 7 लेना, तो यह 8 जो शुरू में, तो पहले इस लाइन में देखना, यही गलती हुआ कि 8 इस लाइन में देखना, जैसे 7 है तो इस लाइन में, तो पहला वाला मैट्रिक्स में तो दिखेगा नहीं, तो इसीलिए पहला वाला में नहीं दिखेगा, तो आप क्या कर लीजिए दूसरा वाला मैट्रिक्स में देखिए, इसमें नहीं देख के 8 और 7, यही गलती हुआ कि 8 यहाँ पर आएगा, यानी 8 यहाँ पर आएगा और इधर से 7 लेंगे तो क्या आ रहा है दोस्तों टी आ रहा है, तो इसीलिए गलती हुआ था। अब जैसे कि टी आ गया उसके बाद तो ठीक है, फिर हम लोग 2 और 0 लेंगे, तो देख लेते हैं जैसे 2, तो 2 शुरू में आया, तो शुरू में 2 यहाँ पर है यानी इस लाइन में, सबसे पहले इस लाइन में, और इधर से 0 लेंगे, तो 0 लेंगे तो क्या आ रहा है दोस्तों ए आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, यानी कि हम लोगों का देखिए यहाँ से पीछे से चेक करते जा रहे हैं, तो आखिरी में टी उसके बाद ए, तो ठीक है। उसी पर कहाँ से 7 और 9 को लेंगे, तो 7 कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 7 हो जाएगा और 9 इधर से आ जाएगा, तो 7 और 9 के बीच में क्या आ रहा है जे आ रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। उसी पर कहाँ से 0 और 4 को लेते हैं, तो 0 किस लाइन में हो जाएगा, तो 0 यहाँ पर हो जाएगा और 4 इधर से लेंगे तो क्या आ रहा है दोस्तों के आ रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक्चुअली हमने क्या किया कि हमने उल्टा कर दिया, इसीलिए नहीं आ रहा था आंसर। जैसे जैसे आप लेंगे ना 0 और 4, देखिए 0 और 4, तो शुरू में जो 0 है ना, तो इस लाइन को देखना है सबसे पहले, इस लाइन, अगर इसमें मान के चले नहीं आया, इसके बाद इस लाइन के बाद क्या देखते हैं ऊपर देखते हैं, तो आपका आंसर निकल जाएगा, यानी पहला वाला हमने थोड़ा सा पहले मिस्टेक कर दिया था, इसलिए माफी। जैसे हमने 0 और 4 लिया, तो 0 कौन लाइन में देखेंगे सर, तो सबसे पहले यहाँ पर 0 देखेंगे, उसके बाद आखिरी में जैसे 4 है तो ऊपर से जाएगा, तो आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिए कि सर यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 4, तो इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा के हो जाएगा, तो के हो जाएगा, तो शुरू में के है। उसी प्रकार से 7 और 9 को लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 किस लाइन में, इस लाइन में पहले आएगा, उसके बाद इधर ऊपर, क्योंकि जैसे हम लोग 79 इस तरीके से ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा शुरू वाला इस लाइन में देखना है और ये वाला हम लोगों का इधर से देखना है, तब जाके आपका आंसर निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकलेगा। जैसे 7 लिया और 9 लिए, तो 7 यहाँ से हो जाएगा और उसके बाद हम लोगों के सामने 9 यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ लिखे हैं, तो इस तरीके से जे आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर जे लिखा है कि नहीं। उसी प्रकार से 2 और 0 को लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर 2 है और ऊपर से 0 लेना है, तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, आप सीधा सा बात कीजिए कि सर पहले हमको इस लाइन में चेक करना है, उसके बाद इस लाइन में, उसी प्रकार से पहले इस लाइन में, उसके बाद ऊपर वाला लाइन में चेक करना, आपका क्या निकल जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी जैसे कहने का मतलब जैसे 0 और 4 है, तो ठीक है सर 0 और 4 लिए, तो 0 हमको इस लाइन में, मान के लिए अगर 9 रहता, मान के लिए यहाँ पर 94 लिखा, तो 9 किस लाइन में जाएगा, पहले इस लाइन में देखना है, फिर इधर ऊपर में जो आखिरी वाला अंक है, ऊपर आखिरी वाला अंक है वो कहाँ जाएगा दोस्तों ऊपर जाएगा, हमेशा याद रखिए, और शुरू वाला अंक जो है इस तरीके से होगा। तो आप जैसे ही चेक कर देंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। कई बार ये वाला प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको समझा दिए।